सो फाइनली टीवीएस ने नई स्कूटी लॉन्च कर दी है, टीवीएस आईक्यू एसटी 2024 मॉडल 1,85,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ। अरे फ्रेंड्स डरो मत, टीवीएस ने एक वेरिएंट नहीं टोटल तीन वेरिएंट्स लॉन्च करे हैं। टीवीएस ने एक सस्ती आई क्यूब भी लॉन्च करी है जो कि है 95,000 की। यस फ्रेंड्स, ये स्कूटी टक्कर देने वाली है ओला S1X सीरीज को। टीवीएस आई क्यूब फैमिली में टोटल पांच वेरिएंट्स आ गए हैं, टीवीएस आई क्यूब 9, टीवीएस आई क्यूब 12, टीवीएस आई क्यूब एस, टीवीएस आई क्यूब एस टी स्मॉल बैटरी के साथ एंड टीवीएस आई क्यूब एस टी बिग बैटरी के साथ। तो नए तीन वेरिएंट्स और आए हैं। सबसे पहले हम टीवीएस आई क्यूब की जितनी भी सीरीज हैं, जो पांच सीरीज हैं, इसके बारे में बात करते हैं और फिर जो तीन नए वेरिएंट्स आए हैं उसमें क्या नए फीचर्स, क्या नए स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी बात हम करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल व्हाट्स नेक्स्ट गुलाटी। मेरा नाम है प्रशांत एंड यस, जैसे कि आपने सही सुना, टीवीएस आईक्यूब ने तीन नए वेरिएंट्स लॉन्च करे हैं, तो बहुत मजा आएगा, पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो पांच इसकी जो सीरीज है, आईक्यूब 9, आईक्यूब 12, आईक्यूब एस, आईक्यूब एसटी स्मॉल बैटरी एंड आईक्यूब एसटी लॉन्ग बैटरी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा चार्ट ये बना हुआ है, फिर उसके बाद जो तीन नए वेरिएंट्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे, चलते हैं। सो सबसे पहले है टीवीएस आईक्यूब 9। इसकी जो बैटरी है वो है 2.2 किलोवाट का पैक। रेंज की बात करूं तो 75 किलोमीटर की रेंज एंड पावर जो है वो 65 किलोमीटर की रेंज में आपको मिल जाएगी। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 75 किलोमीटर पर आवर। जो मोटर है वो सब स्कूटीज में, सब वेरिएंट्स में सेम मिलेगी, जो कि पीक पावर है 4.4 किलोवाट की एंड रेटेड है 3 किलोवाट। बूट स्पेस है 30 लीटर का एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो है 95,000 एक्स शोरूम प्राइस। अब बात कर लेते हैं आईक्यू 12 की। इसमें जो बैटरी है वो है 3.4 किलोवाट का पैक। रेंज की बात करी जाए तो इसमें 100 किलोमीटर की रेंज है एंड पावर 75 किलोमीटर की। टॉप स्पीड की बात करी जाए तो इसकी टॉप स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर। मोटर जैसा आपको बताया, इसकी मोटर सेम है। इसकी जो पीक पावर है 4.4 किलोवाट की एंड रेटेड है 3 किलोवाट की। इसकी जो बूट स्पेस है वो है 32 लीटर की और जो इसका प्राइस है वो लगभग 1,37,000 एक्स शोरूम प्राइस इसका जाएगा। अब बात कर लेते हैं आईक्यूब एस की। आईक्यूब 12 एंड आईक्यूब एस, ये दोनों पुराने वर्जन है। आईक्यूब एस की बात करूं, इसकी बैटरी भी 3.4 किलोवाट की पैक में आती है। रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज भी सेम है, 100 किलोमीटर की रेंज है एंड पावर इसकी 75 किलोमीटर में आपको मिल जाएगी। इसकी भी जो टॉप स्पीड है वो है 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। मोटर जैसे आपको बताया सेम ही है। पीक पावर इसकी 4.4 किलोवाट की है एंड रेटेड इसकी 3 किलोवाट में। इसकी बूट स्पेस 32 लीटर में है एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो है 1,46,000 एक्स शोरूम प्राइस। अब जो दो नए और वेरिएंट्स है आईक्यू एसटी, पहले मैं बात कर रहा हूँ आईक्यू एसटी स्मॉल बैटरी के साथ। इसका जो बैटरी पैक आता है वो आता है 3.4 किलोवाट। रेंज की बात करी जाए तो रेंज 100 किलोमीटर की रेंज है एंड पावर 75 किलोमीटर की रेंज में आ जाती है। बेसिकली आईक्यूब एस और एसटी में फीचर्स का फर्क है, बाकी जो डिटेल्स है वो सेम ही है। इसकी जो मोटर है वो भी सेम है। जो पीक पावर है वो है 4.4 किलोवाट की एंड रेटेड 3 किलोवाट की। इसका बूट स्पेस भी 32 लीटर है और ये 1,56,000 की एक्स शोरूम प्राइस में आती है। सो आईक्यू एस वन स्मॉल एंड आईक्यू एस वन जो बिग आई है, सिर्फ बैटरी का फर्क है, बाकी सारे फीचर सेम है। जो ये स्कूटी है ये आती 5.1 किलोवाट की बैटरी पैकअप में आती है। रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज 150 किलोमीटर की रेंज है एंड पावर 110 किलोमीटर की रेंज में आती है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 82 किलोमीटर पर आवर की। मोटर इसकी सेम है। जो पीक पावर है 4.4 किलोवाट की एंड रेटेड है 3 किलोवाट की। इसकी जो बूट स्पेस है वही 32 लीटर की है और जो इसका प्राइस है वो है 1,85,000 एक्स शोरूम प्राइस। तो ये है जो पांच सीरीज है आईक्यूब की, इसकी डिटेल। अब हम बात करते हैं जो नए तीन स्कूटर आए हैं उसके फीचर्स की, उसके स्पेसिफिकेशंस की, उसके डिटेल में बात करते हैं। देखो सबसे पहले है पार्किंग असिस्ट। पार्किंग असिस्ट तीनों में आपको मिल जाएंगे, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। 0 to 40 जो आईक्यूब है वो लेती है 4.2 सेकंड्स और जो आईक्यूब एसटी है जो स्मॉल वाली वो भी 4.2 सेकंड्स और जो आईक्यूब बिग है वो लेती है 4.5 सेकंड्स। तीनों स्कूटी का जो वेट है वो अलग अलग है। आईक्यूब का जो वेट है वो है 115 का और जो आईक्यू एस टी स्मॉल है उसका है 118.6 और जो आईक्यू एस टी बिग है उसकी है 129.7। तो तीनों का वेट अलग अलग है क्योंकि बैटरी का फर्क है। टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन तीनों में है। ग्राउंड क्लीयरेंस तीनों की सेम है 157 mm
जो ब्रेक्स है रेयर की वो है ड्रम ब्रेक्स, और जो फ्रंट की है उसमें डिस्क लगी हुई है तीनों वर्जन में। जो टायर की बात करूं तो फ्रंट एंड रेयर का 9190 का 12 इंच टायर है रेयर एंड फ्रंट, और ट्यूबलेस टायर तीनों में मिल जाएंगे। जो इसकी बैटरी है वो है IP67, यानी कि 67 आप समझते होंगे, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस तीनों में सेम है। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग की। 0 से 80 जो IQ है उसको लगता है 2 घंटे, IQ ST को लगता है 3 घंटे, एंड जो IQ ST बिग है वो उसको लगते हैं 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे 20 मिनट ले सकते हो आप। चार्जर साइज जो नए वेरिएंट्स आए हैं उसका है 950 वॉट, जो पुराने वर्जन से उसके 650 वॉट में आते थे। हेडलैम्प एंड टेल लैम्प दोनों में LED इंटीग्रेटेड विद TSL है। देखिए जो IQ9 का जो डिस्प्ले है वो आता है 5 इंच TFT डिस्प्ले में, IQ ST स्मॉल में 7 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा TFT विदाउट टच में। लेकिन यही करूं ST बिग की, इसमें आपको सेम 7 इंच का मिल जाएगा लेकिन उसमें टच होगा। कनेक्टिविटी की बात करी जाए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, GSM कनेक्टिविटी, OTA, ये तीनों कनेक्टिविटी तीनों स्कूटीज में आपको मिल जाएंगी। क्लस्टर के फीचर्स की बात करूं तो क्लस्टर के फीचर्स में टर्न बाय टर्न नेविगेशन, इनकमिंग कॉल अलर्ट, साइड सेंड इंडिकेशन, बैटरी इंडिकेटर, पार्क असिस्ट, म्यूजिक कंट्रोल, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो म्यूजिक कंट्रोल है वो IQ9 यानी कि जो बेस मॉडल है उसमें नहीं मिलेगा आपको। एक और फीचर आता है फ्लिप की विद LED लाइट, ये आपको IQ9 में नहीं मिलेगा लेकिन IQ ST दोनों मॉडल्स में आपको मिल जाएंगे। USB चार्जर भी तीनों में मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, वैसे मैंने काफी चीजें कवर कर दी हैं इन तीनों के डिफरेंस में, तो काफी चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि तीनों में क्या फर्क है। फिर भी एक लिंक डाल दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आपको पूरा एक चार्ट मिल जाएगा 5 वेरियंट्स का डिफरेंस। अब बात करते हैं कि कौन सी स्कूटी मुझे पसंद आई। देखिए काफी सारे लोगों ने कमेंट्स किया था और मैं लोगों की वीडियोस भी देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, तो उसमें भी लोग कमेंट्स यही करते हैं कि भाई हमें EV स्कूटी चाहिए लेकिन एक अच्छे ब्रांड की, जो ट्रस्टेड ब्रांड हो लेकिन जो बजट है वो 1 लाख तक का है। तो TVS IQ की डिमांड बहुत ज्यादा थी लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। तो अब जो इन्होंने निकाली है जो बेस मॉडल 95,000, भाई मेरे को लगता है ये स्कूटी बहुत, मतलब इसकी जो डिमांड है ना बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। ठीक है, देखिए TVS की इतनी बाइक्स आती हैं, एक ट्रस्टेड ब्रांड है, पहले से इसके पेट्रोल की बाइक्स स्कूटर्स आ रहे हैं, जुपिटर एंड टॉर, अपाचे, कितनी फेमस सीरीज चलती आ रही है इतने टाइम से, तो आप समझ सकते हैं कि TVS बहुत बड़ा ब्रांड है एंड इसका सर्विस भी बहुत ही अमेजिंग है। या आपको भी पता होगा जिसके पास TVS का ब्रांड है। ओके, तो मुझे क्या लगता है जो IQ9 है ना इसकी डिमांड बहुत ज्यादा जाने वाली है। और दूसरी चीज, जो IQ ST जो बिग वर्जन निकाला वो इतना महंगा निकाल दिया है, पता नहीं यार लोग उसको लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन मेरे को जो लगता है जो मुझे पसंद आई है वो आई है IQ9, जो मतलब बजट के साथ साथ मतलब ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। 2.2 किलोवाट के पैक के साथ है, तो मतलब जिसने आसपास जाना है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, डिस्टेंस कवर नहीं करना, उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ये थी भाई TVS IQ की जो 5 वेरियंट्स है उसके बारे में बताया है, और जो 3 नए वेरियंट्स आए उसके बारे में भी मैंने बता दिया है काफ़ी कुछ। सो फ्रेंड्स, ये था TVS IQ के 3 नए वेरियंट्स के बारे में। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन सी लगी इन तीनों में से बेस्ट। ऐसी वीडियो के लिए आप व्हाट्स नेक्स्ट गुलाटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए, थैंक यू। सो जो भी पेट्रोल लवर्स हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी टॉप 10 स्कूटर इन 2024। सो जो भी वो वीडियो देखना चाहते हैं इस पर जाइए, क्लिक करिए, आप नेक्स्ट वीडियो पर चले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए।